जय हिंद। आज से हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, आरंभ करने चल रहे हैं आपकी 12th की केमिस्ट्री में, बोर्ड में, बोर्ड के पेपर में बार बार पूछी जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। इस अभिक्रियाओं के सिलसिले में पहली अभिक्रिया हम सीखेंगे जिसका नाम है वुड्स अभिक्रिया। तो देखते हैं क्या होती है वुड्स अभिक्रिया। तो याद रखेंगे, वुड्स अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई एल्किल हैलाइड, क्या चीज, एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? सोडियम धातु के साथ। एल्किल हैलाइड आपका किसके साथ अभिक्रिया करता है? सोडियम धातु के साथ। कब अभिक्रिया करता है? तो याद रखेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उच्च एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण? उच्च एल्केन का निर्माण होता है। इसके साथ सोडियम का हैलाइड मुक्त होता है। फिर से देखेंगे, वुड्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वुड्स अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एल्किल हैलाइड, जिसे हम हैलो एल्केन भी कह सकते हैं, अर्थात एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करने के बाद एल्किल की अपेक्षा उच्च एल्केन का निर्माण करती है जिसमें संगत सोडियम का हैलाइड मुक्त होता है। आगे देखते हैं किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हो जाएगा आपका एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम इज गिविंग, कब, जब शुष्क ईथर उपस्थित होगा तब उत्प्रेरक के रूप में क्या प्राप्त होगा, उच्च एल्केन, और क्या मुक्त होगा, सोडियम हैलाइड। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे हम? वुड्स अभिक्रियाएं कहेंगे, जिसका निरूपण हम कर सकते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल मतलब आर, हैलाइड को इसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो आर एक्स किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, सोडियम धातु के साथ में। कब? जब आपका शुष्क ईथर उपस्थित होगा तब। तो क्या बनेगा? उच्च एल्केन, उच्च मतलब बड़ा, कितना बड़ा, एल्किल की अपेक्षा जो एल्किल होगा उसी की संगत का आपका एल्केन बनेगा। और कैसी संगत का? तो जितना आपका एल्किल होगा उसके दो गुना का बनेगा। तो R सिंगल बॉन्ड X जब सोडियम से रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा, उच्च एल्केन R सिंगल बॉन्ड R, और क्या रिलीज होगा, सोडियम हैलाइड सोडियम के साथ में आपका हैलोजन यानी NaX। यहां पे दो एल्किल अर्थात दो R दिख रहे हैं, बैलेंस करने के लिए यहां दो लेंगे, दो हैलोजन होगा, यहां दो लेंगे, दो सोडियम हुआ, यहां दो ले लिए, कुछ इस तरह से। इसके संदर्भ में अभिक्रिया अगर हम लेना चाहें तो क्या हो सकता है, R सबसे छोटा एल्किल लेते हैं CH3, मेथिल हो गया, हैलोजन में हम ले लेते हैं क्या, Cl क्लोरीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सोडियम के साथ। कब होगी यह अभिक्रिया, जब शुष्क ईथर उपस्थित होगा तब। कब होगी यह अभिक्रिया,
शुष्क ईथर उपस्थित होगा तब। तो क्या बनेगा, जिस तरह का एल्किल है आपका उसी के दुगने का क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। CH3 है तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 के टर्म में क्या हो जाएगा, C2H6 अर्थात एथेन का निर्माण होगा। क्या मुक्त होगा, सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl। बैलेंस करने के लिए अगर हम चाहें तो यहाँ पे दो CH3 आपको उत्पाद में दिख रहा है तो यहाँ दो लिख दीजिए, दो Cl हुआ यहाँ दो, दो सोडियम तो यहाँ दो कर देंगे। तो ये है आपका वुड्स अभिक्रिया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देखते हैं क्या होती है वुड्स अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइड का सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ क्या होगा, एल्किल हैलाइड का सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में उच्च अभिक्रिया करके उच्च एल्केन का निर्माण ही क्या कहलाएगा, वुड्स अभिक्रिया। जैसे आपने एल्किल हैलाइड RX रिएक्शन किसके साथ, सोडियम के साथ Na लिया प्लस, कब, जब शुष्क ईथर उपस्थित होगा उत्प्रेरक के रूप में तब। तो रिएक्शन एरो के ऊपर में क्या लिख दिए, शुष्क ईथर क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। कितना बनेगा, कैसे बनेगा, तो जो एल्किल होगा उसी का दो गुना, तो कुछ इस तरह से होगा कुछ।